अच्छे से हो। ओके, तो इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्या बात हो रही है? एंशियंट सिविलाइजेशन। भारत एक मतलब वर्ल्ड में एक प्राचीन सभ्यता वाला देश है। आज कोई नया कंट्री नहीं है कि एंशियंट टाइम से ही है। इट हैज अचीव्ड मल्टी द फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। डिकेड्स कह रहा कि इट हैज अचीव द मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक, मतलब इसने मल्टी फेस्टेड एक सामाजिक आर्थिक प्रोग्रेस किया है 5 डिकेड। कह रहा लास्ट 5 डिकेड्स मतलब पिछले 5 दशक से। मीन्स ये बात मॉडर्न की हो रही है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद हर 1-10 साल को हम 1 डिकेड बोलते हैं। तो आजादी के बाद से 50 से 60 एक हो गया, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 2000, 2000 से 10 और 20। तो कितने डिकेड हो गए? करीब 5 और 2 7 डिकेड हो गया। तो यही कह रहा है काफ़ी ग्रोथ किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस सोशियो इकोनॉमिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल कल्चरल क्षेत्र में। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हर क्षेत्र में ग्रोथ हुआ है। मूव फॉरवर्ड क्या है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया हैज आल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इस तरह से भारत ने अपना इम्पॉर्टेंट रोल भी अदा किया है दूसरे देशों को शेपिंग करने में, सहयोग देने में, यूनाइटेड नेशन और बहुत से मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास को बनाने में। हम विश्व गुरु भी कहते हैं, ये भारत की परंपरा है। और प्राचीन समय से ग्लोरियस ग्लोरीफाइड मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और ऐसे जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, सब में इंडियन कल्चर और हिस्ट्री हम उसके बारे में जानते हैं। सिविलाइजेशन जो हमारी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड की टॉप सिविलाइजेशन थी, जिसको हम कैसे अदर। इसके बाद फिर में मिडिल पीरियड, मिडिवल पीरियड में हमने पढ़ा ही है। फिर मॉडर्न टाइम में ब्रिटिश पीरियड, कॉलोनियल पीरियड को भी पढ़ा। तो जियोग्राफी स्टडी हम कर रहे हैं। लोकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर हम ग्लोब में या मैप में, ग्लोब में देखें तो इंडिया का लोकेशन क्या है। यहाँ आपका लोकेशन, ये हेडिंग है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट हम कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप एक बड़ा देश है, ये वास्ट कंट्री है। और टोटली जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। जैसे ग्लोब को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया, नॉर्दर्न और सदर्न। और अगर इस तरह डिवाइड करें ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल के आधार पे और लैटिट्यूडनल करते हैं, तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ वाला और इक्वेटर के साउथ में साउथ। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन, ये अंडरलाइन आप अच्छे से कर लीजिएगा, जो पॉइंट दिया गया है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब इक्वेटर से जब हम ऊपर 8 डिग्री और ऊपर चलेंगे लैटिट्यूड में, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का इंडिया का विस्तार है, ये लैटिट्यूडनल है। और लॉन्गिट्यूडनल जो ईस्ट से वेस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, डिग्री के बाद जब 1 पाई है तो मिनट, और जब 2 पाई है तो उसको सेकेंड पढ़ेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, समझे ना?
इसके लिए स्टेरेडियन और रेडियन मेजरमेंट यूज किया जाता है एंगल को नापने के लिए, समझे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो बोलते हो, या 23rd degree 30 मिनट, तो 30 माने हाफ डिग्री, ठीक। ये चार लैटिट्यूड के बारे में आप पढ़े हो, मेन इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, और साउथ में उतना ही एंटार्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल। ते डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, भारत के लगभग बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान निकोबार आइलैंड आपको दिखेगा इंडिया के मैप में, जब आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में एस्टर्न साइड में, और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है वेस्टर्न साइड में, अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस, कह रहा है कि अपने एटलस पर इसको आप खोजिए। यहाँ है डू यू नो पॉइंट में, द सदर्न मोस्ट पॉइंट्स ऑफ इंडियन यूनियन, इंडिया इंदिरा पॉइंट, इंडियन यूनियन का सबसे सदर्न टिप जो है पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। गॉड सबमर्ज अंडर द सी वाटर 2004, जब सुनामी आया था 2004 में, ते भी जो है पानी में डूब गया था। आ जाइए हाँ, नहीं कन्याकुमारी सदर्न टिप थोड़ो है, मतलब सदर्न टिप की बात हो रही है, सदर्न पार्ट एकदम जो कि ओशियन में है, इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार आइलैंड के और उधर पे है। ये तो इंडिया का जो सदर्न टिप क्या है जो है लैंड, ये सीमा जो है अंडमान, ये कन्याकुमारी है, मतलब इंडिया का क्षेत्र कहाँ तक है, लास्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है समुद्र। साइज में द लैंड मास ऑफ इंडिया है जैन एरिया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या 32 लाख समथिंग जो है स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, तो उसे मिलियन में कर दिया गया है। इंडिया इज टोटल अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब भारत का जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के एरिया का लगभग 2.4 है। अगले पेज पर हम लोग आए, यहाँ पर है एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए दिया गया है नीचे ग्राफ में आपको 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे पहले रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा USA, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठवा ऑस्ट्रेलिया और सातवां इंडिया। सबका एरिया ऊपर रखा गया है, एरिया के आधार पर ये बना हुआ है। तो 7th कंट्री है ये, 7वां नंबर पर एरिया में। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन्स ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। मीन्स क्या है,
बात हो रही, जैसे इंडिया है द लैंड बाउंड्री, मतलब भारत की जो सीमा बॉर्डर लाइन सब है, ये पूरा टोटल लेंथ इज द कॉस्ट लाइन, टोटल लेंथ ऑफ द कॉस्ट लाइन कितना है, ये 15,200 किलोमीटर, पूरा इंडिया के पूरा जो बाउंड्री से लेकर के सब लैंड बाउंड्री और पूरा अंदर का जो वो है, ये करीब 15,200 किलोमीटर है। और कॉस्ट लाइन जो है, तटीय सीमा ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आईलैंड एंड लक्षद्वीप, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आईलैंड को लेकर के, ये करीब 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया इज बाउंडेड बाई द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में जो हमारा हिमालय है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, इसके द्वारा सीमा बना रही है बाउंड्री, नॉर्थ बाउंड्री, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में एंड साउथ में जो हिमालय अपनी सीमा बना रहा है, ये करीब 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इसका एक्सटेंड है। इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवार्ड द इंडियन ओशियन। मीन्स क्या है, बिगिन टेपर और एक्सटेंड इंडियन ओशन, टेपर ऊपर से ऐसे ऐसे टेपर होते हुए कहाँ तक फैला हुआ है, इंडियन ओशन मतलब कन्याकुमारी, डिवाइडिंग इट इंटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। और इसकी लैंड सीमा के दोनों साइड में क्या है, सी, एक वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में बे ऑफ बंगाल है, और इधर ईस्ट में और साउथ में इंडियन ओशन। तो यही एक ऐसा कंट्री है इंडिया जो है, जो तीन साइड पानी से एक तरह से घिरा हुआ है, और इसका नाम जो है किसी ओशियन के नाम पर है, या इसके नाम पर कोई ओशियन का है, तो इंडियन ओशियन या इसी को हम कहते हैं। और यही जो है तीन साइड से पेनिनसुला जिसको बोलते हो, तीन साइड से जो लैंड घिरा हो पानी से। लुक एट फिगर 1.3 एंड द नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। मीन्स क्या कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट मतलब जो इंडिया की सीमा है, ईस्ट से वेस्ट विस्तार, ये छोटा है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ टू साउथ। हिमालय से चलते कन्याकुमारी ये लेंथ लगभग 3,000 कुछ किलोमीटर है अभी आगे, और ऐसी साउथ ईस्ट टू वेस्ट मतलब अरेबियन सी और इधर जो मतलब, या गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की हम देख लें तो ये लेंथ जो है कम है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लाइक 2 आवर्स, हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरेडियन ऑफ इंडिया 82°30' ईस्ट। हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पॉइंट लिया गया, जहाँ जो मानक समय माना गया है, वो 82°30' ईस्ट मतलब लॉन्गिट्यूड है, जो कि पासिंग होती है मिर्जापुर से, हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, ऐसे कई स्टेट से होके गुजरती है ये लाइन। इन द उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरे देश के लिए इसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया, नहीं तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम होता। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। और जो लैटिट्यूडनल विस्तार है, ये डे और नाइट के टाइमिंग को प्रभावित करता है, एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
मतलब जैसे कि अगर हम साउथ से नॉर्थ मूव करें, अब यहाँ पे है फाइंड आउट व्हाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड, क्यों इसको सेलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के रूप में। और अगला है व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो डे और नाइट के ड्यूरेशन में अंतर है, हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। तो इन क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने का आप प्रयास करिएगा। तो इसका है बताया भी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये जो लाइन लॉन्गिट्यूड जो गुजर रही है देश के जो डिफरेंट स्टेट से होके जा रही है, तो ये एक तरह से सेंट्रल लोकेशन की बात हो रही है, समझे ना। और इस पॉइंट को चुनने से पूरे देश का जो टाइमिंग है स्टैंडर्ड टाइम वो एक बन रहा है, तो ये इसीलिए इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। बाकी आंसर इसका दिया जाएगा। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। कह रहा है कि इंडिया लैंड मास सेंट्रल लोकेशन, मतलब एशिया के मैप में अगर देखें तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के लगभग बीचों बीच में इंडिया का लोकेशन बनता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में हम लोग हैं। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है, मतलब इंडियन ओशियन से जो समुद्री मार्ग जाते हैं और जो कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज को, जैसे वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, तो एक स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया को इससे मिलता है। Note that the Deccan Peninsula the protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। मतलब कह रहा है वेस्टर्न कोस्ट का मतलब है कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, जैसे अरेबियन सी, ये जो लोकेशन है यहाँ से जो रूट्स जाते हैं ये सेंट्रल एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप के अदर पार्ट्स को करता है, जबकि एस्टर्न जो है साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द एस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशियन। कोई और दूसरा देश नहीं है जिसका कोस्ट लाइन इतना लंबा होता, टीए देखा जो भारत जैसा है। जैन इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन व्हिच जस्टिफाई द नेमिंग। और इस तरह से इंडियन ओशियन में ये भारत की एक एमिनेंट पोजीशन को शो करता है और ये जस्टिफाई भी करता है कि इंडियन ओशियन का नाम जो है इंडिया के आधार पर पड़ा है, क्योंकि इंडियन ओशियन में भारत का अपना एक प्रभुत्व है। यहाँ पे है सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869, स्वेज कैनाल जब बनाया गया 1869 में, तो इससे सी रूट और छोटा हो गया, इंडिया से ब्रिटेन या यूरोप जाने का रास्ता जहाँ पे
2-3 महीने लगते थे, 4 महीने लगते थे, अब बहुत 60 हो गया, करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी बच गई। ये मेडिटेरियन सी से होकर के निकाला गया है। क्या स्वेज कैनल? स्वेज कैनल देखिए, इसमें क्लियर तो बहुत नहीं होगा, आप देखिए वर्ल्ड का मैप में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये 3 चीज आपको दिख रहा है वर्ल्ड के मैप में। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में कुछ गैपिंग दिख रही होगी, जहां पे आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, ठीक, और भूमध्य सागर, और फिर आप जब अफ्रीका आएंगे और जहां पे रेड दिख रहा है, तो यहां पे आपका बीच में रेड सी है, लाल सागर, ठीक। ये स्वेज कैनाल ऐसे निकाली गई है यहाँ से, मेडिटेरियन सी से होते हुए रेड सी से होते इंडियन ओशियन में। तो अब यूरोप के लोग, जब वास्को डिगामा आया था, तो वास्को डिगामा आया था तो वो आया था यूरोप से होते हुए अटलांटिक ओशियन और अफ्रीका। ये देखो अटलांटिक ओशियन, अफ्रीका साउथ, हाँ, बॉर्डर बीचों बीच होते हुए इधर केप टाउन, मतलब यहाँ टिप को टच करते हुए, तब इंडियन ओशियन में ऐसे इंडिया के कॉलीकट पे, सदर्न टिप पे आया था। तो बहुत लंबा प्रोसेस लगा था, और अब यूरोप से आना होता है तो स्वेज कैनाल होते हुए आप इंडिया, जहाँ पे 4 महीने लगते थे, और दूरी मतलब दिखाया ना, 7,000 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। तो अगले पेज पे आपका मैप है, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हो 68°7' गुजरात का, मतलब इंडिया का वेस्टर्न पॉइंट लैटिट्यूड, और 97°25' ये ईस्टर्न है अरुणाचल प्रदेश। कर दे बुक, नहीं अभी है, फोटो आप लोग मतलब दे दीजिएगा। देखिए इसमें ये दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जो लॉन्गिट्यूड है 68°7' गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये इंडिया का वेस्टर्न टू ईस्टर्न विस्तार है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा नॉर्थ से साउथ में, इसको बोलते हैं क्या, हाँ, ये ईस्ट वाला है आपका, ये लॉन्गिट्यूडनल है और ये लैटिट्यूडनल है। कितना दिख रहा है, 8°4' नीचे देखिए आप कन्याकुमारी के पॉइंट पर, 8°4' से स्टार्ट होकर के 37°6' ये लैटिट्यूडनल विस्तार है, समझे ना। ग्लोब पे जब आप देखेंगे, आप पिछले क्लासों में पढ़े हो ग्लोब में, उसे 6 में सब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया गया है। तो जो ऐसे लाइनें चलती हैं, ये लाइनें, ये लाइनें मैं बता रहा हूँ, ये लाइनें जो चलती हैं, ठीक ना, ये क्या है आपका लैटिट्यूड, चूंकि इक्वेटर, तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे टिप हमारा सदर्न टिप है, ये मतलब 8°4', और इससे और 8 डिग्री और नीचे आ जाए तो 0 डिग्री मिल जाएगा हमको। तो 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर डिवाइड कर देता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो चूंकि इक्वेटर के ऊपर हम हैं, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो ये चल करके यहाँ से यहाँ तक 30, तो इंडिया का ये लोकेशन, मतलब जो इंडिया का सीमा है यहाँ से यहाँ तक का है।
और 23.5 डिग्री, ये देखिए ये लाइन जो गई है, ये लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि इंडिया के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है, समझे ना। हाँ, ये 23.5 डिग्री के आसपास आएगा, और ये लाइनें जो जाती हैं, देखिए ये लाइनें हल्का कर्ब है और ऊपर से नीचे जा रही हैं, तो ये ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, समझे ना। तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर लगा है या मेरिडियन, मेरिडियन प्राइम मेरिडियन, जान रहे हो ना। और इनको अक्षांश बोलते हैं लैटिट्यूड को। तो हम वेस्ट में नहीं, हम तो ईस्ट में ही है, ऐसे मान लीजिए अगर डिवाइड कर दिया जाए आपके ग्लोब को, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनेगा और ये वेस्टर्न, तो इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा ना, आप देख रहे हो। देखो ये जो लोकेशन यहाँ दिखाया गया है 66 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट, तो हम ईस्ट में ही, हम वेस्ट में नहीं है, समझ में आएगी नहीं बात। हाँ अब यहाँ देखिए आप मैप में दिख रहा होगा, ये 16 डिग्री है, ये आपका 12 डिग्री है, ये आपका 8 डिग्री है, उसके बाद फिर ये 20 डिग्री है, ये वाली लाइन जो जा रही है ये लाइन, उसके बाद फिर ये जो लाइन डॉटेड गई है, अभी हमने इस पे निशान मारा, ये वाली लाइन, ये 23.5 पहुंच गई है। तो देखो लगभग सेंट्रल लोकेशन नहीं है, बीचों बीच से जा रहा है, आप डिवाइड कर दो तो आधा आधा लगभग बट रहा है ये। यहाँ आपका वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है जिसमें ये प्लेट के बारे में बताए गए हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो अरे ये वर्ल्ड का मैप यहाँ पर आप दिख रहा होगा क्या, यहाँ देखिए फिगर 1.4 में इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ठीक है हम इसकी बात कर रहे हैं जो मेन मेन कॉन्टिनेंट आपको दिखाए गए हैं, तो इसमें प्लेट लिखा, देखिए यहाँ पे यूरेशियन प्लेट दिख रहा है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, तो एशिया और यूरोप को मिला दीजिए तो यूरेशिया बन जाता, अगर वही आल्प्स माउंटेन ना होता यहाँ पे तो दोनों एक होते। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिससे बना हुआ है, और ये आपका अफ्रीकन प्लेट है, सदर्न अमेरिकन प्लेट, समझे ना, ये आपका अफ्रीकन प्लेट है, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये यहाँ पे आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक। और बाकी ये तो रूट दिखाए ही गए हैं, कौन से रूट आप देखिए, अभी यहाँ पे ये वाला रूट आपका, ये जो ये रूट देखिए, अभी यहाँ से ऐसे चलेगा, ये ऐसे निकलते आ रहा, देखिए ये रूट दिख रहा है ना, ये रूट, ये यही है आपका, देखिए स्वेज कैनाल, चूंकि ये ऊपर जो लाइनिंग है ये आपका क्या है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, और यहाँ क्या, अच्छा कोई बात नहीं, ये पुरानी बुक है इसमें दिया है, मतलब ये तो प्लेट बात कर रहे हैं जो जिनसे जो बना हुआ है, जो लिथोस्फेरिक, इस आप पढ़ते हो पिछले क्लासों में पढ़ लिए हो, इस सब क्लास 7 में था ना सब। हाँ तो ध्यान दीजिए, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कॉन्टिन्यूड थ्रू द एज,
मतलब कह रहा है कि इंडिया का कांटेक्ट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से पहले से ही रहा है, एज मतलब जब शुरू हुआ है रहा, आज से नहीं है कि इंडिया, आप पढ़े हो हिस्ट्री में कि इंडिया का व्यापार जो है अदर कंट्रीज से होते थे एंशियंट टाइम में, जब हम सिविलाइजेशन में भी पढ़ते हैं मेसोपोटामिया और इजिप्टियन, हाँ वर्ड हैव द कंट्री थ्रू द लैंड रूट, किसके थ्रू, लैंड रूट। तो हमारा लैंड रूट क्या था, यहाँ इंडिया का जो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है, इससे ईरान पर्सिया उसी के थ्रू तो इन्वेशन भी हुए उसी लैंड के थ्रू, जब भारत, जब हिमालय हमारा प्रहरी रहा, लेकिन जब हिमालय अभेद जब नहीं रह गया, दर्रों के रास्ते से आए अलेक्जेंडर, और लैंड रूट आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर देन मैरीटाइम, मतलब समुद्री मार्ग, समुद्री व्यापार या समुद्री मार्ग की अपेक्षा लैंड रूट बहुत पुराना था। समुद्री मार्ग किसने खोजा, वास्को डी गामा। द बैरियर पासेस अक्रॉस द माउंटेन, बताया हमने ना माउंटेन से होकर के बहुत से दर्रे, इधर वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न में भी नथुला वगैरह और सो जो पर दर्रे हैं, और इधर हमारा वेस्टर्न और नॉर्थ में जो दर्रे हैं, मतलब जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल से होके रास्ते जाते थे, और इधर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और इनसे होके चाइना और अदर कंट्रीज को जो रास्ते जाते थे, तो दर्रा मतलब सकरे रास्ते पहाड़ों से। हेलो, कट गया था, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, टाइम हो ही गया था आपका, तो इतना मेरे ख्याल में कल के लिए छोड़ देते हैं, मंडे के लिए, मंडे को ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आप रिवाइज करिएगा अच्छे से, क्योंकि सब लोग जुड़े नहीं और